हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मॉडर्न थ्योरी या यू कैन से रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी, जो कि ट्रेड की ये मॉडर्न थ्योरी भी कहलाएगी। इस थ्योरी को न्यू क्लासिकल ने दिया, लेकिन न्यू क्लासिकल ने क्लासिकल के एजम्पशन के बेस पे दिया थ्योरी को। इस थ्योरी को डेप्थ में जाने से पहले फ्रेंड्स, मैं एक रफली आइडिया चीज़ों को देना चाहता हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, ताकि सारी बातें आपके लिए क्लियर हो जाएं और थ्योरी को अच्छे समझने के लिए। फ्रेंड्स, जो रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी है, ये थ्योरी न्यू क्लासिकल की है, लेकिन न्यू क्लासिकल जो थे वो क्लासिकल तो लॉन्ग रन की बात करते थे फ्रेंड्स, शॉर्ट रन की बात नहीं करते थे। क्लासिकल लोग बोलते थे कि लॉन्ग रन की बात करते थे, और बोलते थे कि हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट है, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स है, प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट है, इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता। अच्छा, फिर उन्होंने एक एजम्पशन देखी कि प्राइस और वेजेस फ्लेक्सिबिलिटी है, ऑटोमेटिकली चेंज होते रहते हैं, हमेशा इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम पॉइंट में रहती है। कभी इन्फ्लेशन होता है, रिसेशन आता है, तो ऑटोमेटिकली मार्केट अपने आप करेक्ट हो जाती है। लेकिन ये लॉन्ग रन की बात करते थे, लेकिन न्यू क्लासिकल ने शॉर्ट रन फ्लक्चुएशन की बात किया, जो कि एजम्पशन बेस्ड था क्लासिकल थ्योरी का, ठीक है। लेकिन ये बिजनेस साइकिल होता क्या है? हम वर्ड देखो फ्रेंड्स, लिखा हुआ है रियल। व्हाट डू मीन रियल? तो आपको फ्रेंड्स कई चीजें पढ़ाए हैं आपको, जैसे मैंने कि रियल जीडीपी पढ़ाए थे आपको, पढ़ाए थे, और नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, ओके, आपने सुना होगा। तो रियल जीडीपी क्या होता है फ्रेंड, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? ये मार्केट प्राइस पर होता है, ओके, और ये बेटा जी बेस प्राइस पे होता है, ठीक है, ऐसा निकालते थे। लेकिन यहां तो थोड़ा सा हटके है। रियल का मतलब होता है फिजिकल क्वांटिटी में ले रहे हैं, और ये मार्केट वैल्यू में ले रहे हैं। तो ये थ्योरी रियल पॉइंट की बात करती है, लेकिन रियल में क्या, दो तरह के वेरिएबल होते हैं फ्रेंड्स, एक रियल वेरिएबल, एक नॉमिनल वेरिएबल। रियल वेरिएबल में क्या क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं। जैसे प्रोडक्शन है वो रियल वेरिएबल, प्रोडक्शन है वो रियल वेरिएबल है, एम्प्लॉयमेंट है वो रियल वेरिएबल है, ओके, रियल इंटरेस्ट रेट है वो नॉमिनल है, रियल वेज है वो नॉमिनल है वेज है। तो रियल वेज, रियल इंटरेस्ट रेट, रियल एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, ओके। मनी स्टॉक, ठीक है, मनी स्टॉक क्या है, वो रियल है, और मनी का फ्लो, मनी स्टॉक एक समय में रियल वेरिएबल होता है, मनी की ग्रोथ नॉमिनल वेरिएबल हो जाएगा। तो यानी कि इन सबको हम रियल बोलते हैं, और ये रियल वेरिएबल जो है वो नॉमिनल वेरिएबल को चेंज कर देते हैं। लेकिन नॉमिनल वेरिएबल कैन नॉट चेंज रियल वेरिएबल, आपने पढ़ा था इसको, इसी को बोलते थे फ्रेंड्स क्लासिकल डाइकोटमी, जो है क्लासिकल का विभाजन करता है किस पॉइंट से, कि रियल वेरिएबल और नॉमिनल वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो वेरिएबल होते हैं रियल और नॉमिनल, इसको समझा चुके हैं फ्रेंड, आपको अच्छे से जानते रहना। एक और कंसेप्ट आपको समझना है फ्रेंड, कि जो एक्चुअल, ध्यान समझना, मान के चलो एक पोटेंशियल जीडीपी होती है, तो हम मान के चलिए पोटेंशियल जीडीपी है, इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता, और एक होता है फ्रेंड एक्चुअल जीडीपी, ठीक है, तो ये एक्चुअल है, तो यानी कि एक्चुअल में यानी कि नॉमिनल हो गई और ये हो गई रियल। तो अगर नॉमिनल रियल में गैप आ जाएगा तो इसे बोलेंगे फ्रेंड इन्फ्लेशन, या पीक पॉइंट बोलेंगे, या इसे आप बूम बोलेंगे, तेजी। लेकिन जब ये कम हो जाता है इसे बोलेंगे रिसेशन। तो पहले इंक्रीज होता है, फिर रिसेशन आता है, और फिर बाद में जो है डिप्रेशन होता है। तो जब रिसेशन, इन्फ्लेशन, रिसेशन, डिप्रेशन आता है, इसके बाद फिर रिकवरी होती है,
फिर पीक पे जाता है तो इससे ज़्यादा ऊंचा हो जाता है, इसे बोलते हैं पीक। ओके, फिर अगेन फॉल होगा, तो ये जो अप्स डाउन आ रहे हैं इसी को फ्रेंड बोलते हैं बिजनेस साइकिल। तो ये अप्स डाउन होने के बहुत सारे रीजन हैं, अलग अलग मॉडल ने अलग अलग रीजन बताए। कोल्डर मॉडल अलग बताता है, सिमुलेशन अलग बताता है, हिक्स का अलग बताता है, लेकिन इसी फ्लक्चुएशन को शो करने के लिए न्यू क्लासिकल ने एक रियल वेरिएबल लिया, और रियल वेरिएबल में हमने आपको बताया कि वो सारे रियल वेरिएबल हैं, वो रियल वेरिएबल चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया। एक बात और यहाँ पर आपको और बताना है मुझे कि क्लासिकल के लोग ये मानते थे कि लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई ऐसी होती है, ठीक, यानी कि रियल नहीं चेंज हो रहा है। ये क्या था फ्रेंड्स, एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है, ये प्राइस है। तो ये कहते हैं कि लॉन्ग रन में क्या होगा फ्रेंड्स, एग्रीगेट डिमांड्स बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड घटेगा तो प्राइस बढ़ेगा। तो ये जो फ्लक्चुएशन है डिमांड घट या बढ़ने से प्राइस घट पड़ रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? ये कहते हैं डिमांड की वजह से नहीं, रियल वेरिएबल की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये तो चेंज नहीं हो रहा है। अगर ये चेंज हो जाता तो डिमांड बढ़े तो ए भी बढ़ जाए तो क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। नहीं, यही कहता है कि क्लासिकल कहना चाहता है कि ये रियल वेरिएबल है, रियल प्रोडक्शन है जो प्राइस को अप डाउन करता है। क्यों? क्योंकि रियल है, चेंज नहीं हो रहा है। कब नहीं चेंज हो रहा है? लॉन्ग रन में चेंज नहीं हो रहा है। लॉन्ग रन में चेंज नहीं हो रहा तो शॉर्ट रन में चेंज होता है, लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि आपने इसको भी पढ़ा होगा फ्रेंड्स। ओके, अच्छा, ये क्लासिकल की विचारधारा ऐसी थी। फिर क्लासिकल के लोग और एक बात करते थे, वो बोलते थे कि ISL और ALM भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, और ये LM है, ये IS है, ALM है और ये IS है। इन्वेस्टमेंट और सेविंग यानी कि मनी मार्केट और गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम होकर के यहाँ पर इंटरेस्ट रेट, यहाँ पर GDP आता था। तो ये लॉन्ग रन हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो इसको भी ये बताना प्रयास करते हैं कि चेंज नहीं हो रहा है, तो GDP तो वही है, फ्लक्चुएशन होगा अगर फिजिकल पॉलिसी बढ़ेगी या घटेगी या मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होगी, तो इसके वजह से इंटरेस्ट रेट चेंज होंगे और अप्स डाउन आएगा। तो मेरा जो आपका कंसर्न है इस क्लास में पढ़ाने का, कि आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे वेरिएबल को लेकर के हम प्रूव करना चाहते हैं कि ये रियल बिजनेस साइकिल होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम इनके मेन पॉइंट भी बात करते हैं जो कि आपको समझाना है। पीछे के इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, इस करके बताया आपको इनकी एजम्पशंस क्या थी। इनकी एजम्पशंस आपको रट लेना है कि परफेक्ट कंपटीशन है, वेज और प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी है, इंटरेस्ट रेट फ्लेक्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी अडॉप्ट करती है, लेबर आर होमोजीनियस है, परफेक्ट कंपटीशन है, हिडन हैंड है, यानी क्लासिकल की जो एजम्पशन थी वही एजम्पशंस यहाँ भी आपको अडॉप्ट कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो मैं वन बाई वन आपको समझाता हूँ। कहता है इसके जो मेन पॉइंट है, ये बोलता है कि जो फ्लक्चुएशन का रीजन है, अप्स डाउन आने का रीजन है, बिजनेस साइकिल का रीजन है, पहला रीजन बोलता है इम्प्रूव द टेक्नोलॉजी स्टॉक्स। पहली बात करता है वो, ये कहता है कि फ्रेंड्स देखिए, हमने बताते हैं, मान चलो यहाँ पर के है, के इज लेबर कैपिटल दोनों है, ये वाई है प्रोडक्शन है, जिसे हमने माना फंक्शन अपान ये होता था फ्रेंड्स के, के का मतलब यहाँ पर लेबर कैपिटल रेशो है। ठीक है, यानी कि वो ये कहता है कि आप इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं, इस पॉइंट पर के है, यानी कि इतना लेबर कैपिटल यूज कर रहे हैं, यानी कि कैपिटल इतनी यूज हो रही है, और मार्केट में वाई इतना प्रोडक्शन हो रहा है। क्लियर हुआ? अब ये कहता है फ्रेंड्स कि प्रोडक्शन जो है इंक्रीजिंग होता है, फिर डिक्रीजिंग होता है, फिर फॉल होता है। ठीक है, मैं इसी थ्योरी में बताना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स क्या होता है। ये कहना चाहता है कि सेम लेबर कैपिटल अगर ज़्यादा प्रोडक्शन कर देता है, यानी कि टेक्नोलॉजी बेटर हो गई, तो हम लिखेंगे Y1 फंक्शन K1 हो जाएगा,
लेकिन उससे उतने ही कैपिटल लेबर ने ज्यादा प्रोड्यूस किया। क्या हुआ? ज्यादा प्रोड्यूस किया। तो इसे बोलते हैं टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। ठीक है, क्लियर हुआ? तो मेरा कंसर्न यहाँ कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होने से क्या होगा कि आपकी इनकम क्या होगी, बढ़ेगी। जब इनकम बढ़ जाएगी तो कंजप्शन और सेविंग क्या होगा, कंजप्शन बढ़ेगा, सेविंग भी बढ़ेगी। जब कंजप्शन बढ़ेगा तो अगेन इन्वेस्टमेंट क्या होगा फ्रेंड्स, इंक्रीज होगा। और जब अगेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो कैपिटल और लेबर की डिमांड्स बढ़ेगी। ओके, जब कैपिटल की लेबर की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा तो मोर प्रोडक्शन देने की कैपिटल लेबर की डिमांड और बढ़ जाएगी। तो ये वाई और बेटर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक टाइम के बाद लेबर कैपिटल तो यूज किया तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी, लेकिन एक टाइम के बाद प्रोडक्टिविटी फॉल होती है, मार्जिन प्रोडक्टिविटी फॉल होती है। तो एक टाइम ऐसा आएगा फ्रेंड्स कि प्रोडक्शन फॉल होना शुरू हो जाएगा, लेकिन लोगों के पास इनकम ज़्यादा रहेगी तो लोगों की डिमांड्स बनी रहेगी। तो इस केस में क्या होगा कि डिमांड साइड में डिमांड बढ़ती चली जाएगी, लेकिन सप्लाई उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी बढ़नी चाहिए। लेबर कैपिटल का यूज मतलब यूटिलाइजेशन बेटर हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने से एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि प्रोडक्शन तो मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। और जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है तो वेजेस भी कम हो जाएंगे, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा। यानी कि इस कैपिटल और लेबर को जो रेंट मिलता है, जो भी मिल रहा है, उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर उसको वेजेस देते हैं, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन माना है। तो परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल कॉस्ट बराबर होता है प्राइस, और प्राइस कितना, जितना प्राइस होता है उतना हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर होता है, यानी कि उतना हम वेजेस देते हैं। ओके, दूसरी बात कि प्राइस के बराबर ही मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल होता है, उसको उतना आर देते हैं। तो यानी कि जब ये प्रोडक्शन फॉल होना शुरू हो जाता है फ्रेंड्स एक टाइम के बाद, तो ये भी तो फॉल होना शुरू हो जाएगा। तो पहले प्राइस को अप हुआ और फिर प्राइस डाउन हुआ, तो टेक्नोलॉजी शॉक्स की वजह से भी प्राइसेस अप्स डाउन आते हैं। क्यों? क्योंकि एक टाइम के बाद रियल वेरिएबल चेंज नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट चेंज नहीं होगी, क्योंकि लेबर का फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो जाएगा, इस बात की बात करता था। तो उम्मीद करता हूं पहला पॉइंट्स क्लियर हुआ होगा। दूसरी बात करते हैं लेबर मार्केट की, इंटरप्रिटेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आपको मैंने पढ़ाया था शुरू में, याद होना चाहिए कि लेबर की डिमांड्स, ठीक है, लेबर की सप्लाई, लेकिन लेबर की डिमांड जो है फ्रेंड ऐसे होती है इस तरह से। क्यों? क्योंकि हम इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, और यहाँ पर डब्ल्यू अपॉन पी लेते थे, क्या लेते थे, वेज रेट। यानी कि जो हमारा ये वाई आएगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फॉल हो रही है, तो धीरे धीरे रियल वेज क्या होगा, फॉल होगा, क्योंकि रियल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर रियल वेज हो गया, डब्ल्यू अपॉन पी रियल वेज हो गया, लेकिन इक्वल टू होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की, ठीक है। तो जैसे जैसे लेबर फॉल होगी फ्रेंड्स, सॉरी वेज रेट फॉल होगा, फॉल होगा, तो इक्विलिब्रियम यहां पर है, लेकिन एक टाइम बाद जब वेज रेट फॉल होगी तो क्या होगा कि लेबर की डिमांड्स बढ़ेगी, ठीक, लेबर की डिमांड्स बढ़ेगी। लेकिन आपने एक चीज पढ़ा था फ्रेंड कि जब वेज रेट फॉल होता है तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यानी कि कम हो रही है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मतलब होता है कि ओवरऑल प्रोडक्शन कम हो रहा है, लोगों के पास बेस कम, बेस क्या हो रही है, कम आ रही है, तो रियल बेस क्या हो जाता है फ्रेंड्स, कम हो जाती है। क्लियर है? तो कहने का मतलब है कि एक टाइम पर रियल बेस कम हो जाएगी, जब रियल बेस कम हो जाएगी तो लोग जॉब छोड़ते हैं, लेबर का इंक्रीज होगी या लेबर की डिमांड डिक्रीज होगी, ये डिपेंड करेगा उसके मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर पे। अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर ज़्यादा रहेगी तो लेबर की डिमांड्स
कम रहेगी और मार्जिन प्रोडक्टिविटी कम रहेगी तो लेबर की डिमांड्स ज़्यादा रहेगी। ये सब आप पढ़ा चुका हूँ। तो किस तरह से इंटरप्रिटेशन होता है अनएम्प्लॉयमेंट का, ये डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी सोर्स पे। अगर टेक्नोलॉजी बेटर हो गई तो मार्जिन प्रोडक्टिविटी लेबर की बेटर हो जाएगी तो एम्प्लॉयमेंट बेटर होगा। अगर एडवर्स इफेक्ट डालती है टेक्नोलॉजी तो मार्जिन प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी लेबर की, तो वेज रेट भी कम हो जाएंगे, तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइसेस भी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो लिंक है टेक्नोलॉजी स्टॉक्स का वो लेबर मार्केट से है, और लेबर मार्केट में जब चेंजेज आता है तो उससे प्राइसेस भी, वेज रेट वगैरह भी चेंजेज आएगा, उससे लेबर की डिमांड चेंज होगी तो लेबर मार्केट भी इफेक्टिव होगी। लेकिन एक्चुअल में लेबर वही है, आपने पढ़ा होगा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो मतलब वही रहेगा उसी के आसपास, जस्ट फ्लक्चुएट करेगा वेज रेट को। ठीक है, अच्छा तीन चीज हो गया। तीसरा इफेक्ट फ्रेंड नेचुरलिटी ऑफ मनी की बात करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब फ्रेंड्स ये हुआ कि हमने पढ़ाया था कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाती है, क्या बोलते हैं, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाती है तो प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि मनी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। जब मनी की सप्लाई बढ़ती तो प्राइसेस बढ़ता है, तो यानी कि नॉमिनल जीडीपी क्या होगा, नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन रियल जीडीपी इंक्रीज नहीं होगी, यानी कि मनी सप्लाई बढ़ने से क्या क्या बढ़ेगा, बेज रेट बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट फॉल हो जाएगा, रियल वेज रेट फॉल हो जाएगी, यानी कि एम अपॉन डब्ल्यू अपॉन पी ये फॉल हो जाएगा। ओके, और कैपिटल भी, मार्जिन प्रॉपर्टी ऑफ कैपिटल का भी रेट फॉल हो जाएगा, और मनी की वैल्यू एम अपॉन पी, ये सब क्या हैं, ये रियल वेरिएबल हैं, इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी। मनी सप्लाई बढ़ाने से इन सब की वैल्यू को कम होने को ही बोलते हैं कि नॉमिनल तो नहीं चेंज हो रहा है, सिर्फ नॉमिनल चेंज हो रहा है, रियल में कोई चेंज नहीं आ रहा है। यानी कि फ्रेंड्स हमें कहेंगे कि मार्केट में अगर मनी सप्लाई इतनी ही है और मनी की डिमांड इतनी है, तो अगर मनी की सप्लाई कांस्टेंट रहे, मनी की सप्लाई बढ़ा देंगे तो मार्केट में क्या होगा फ्रेंड्स, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, और इंटरेस्ट रेट करते इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगा, लेकिन उस टाइम का जो एक फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, उसके बाद प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है तो क्या बढ़ेगा, सिर्फ डिमांड रेट बढ़ेंगी, डिमांड बढ़ेंगी तो वेजेस बढ़ेंगे, और वेजेस बढ़ेंगे प्राइसेस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो लोग वेज बढ़ाने की मांग करेंगे लेबर मार्केट में, तो लेबर मार्केट के में भी वेजेस बढ़ेगी। तो कुल मिला के मनी का जो इफेक्ट है वो न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि रियल को चेंज नहीं कर पाती है और सिर्फ नॉमिनल वेरिएबल को ही चेंज होती है, इसीलिए बोलते हैं कि मनी का रोल न्यूट्रल होता है। इसकी वजह से भी फ्लक्चुएशन आती है मनी सप्लाई। अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ था मार्केट में, तो मनी सप्लाई मार्केट में डिसअपियर हो गई, तो धीरे धीरे क्या हुआ, इकोनॉमी डाउन चली गई। जब मार्केट फिर से मनी सप्लाई हुआ तो प्रोडक्शन बढ़ा, तो धीरे धीरे प्राइस बढ़ना शुरू हुआ। तो मनी का सप्लाई का जो रोल है वो रियल पे नहीं आता, सिर्फ नॉर्मल पे आता है, इसकी वजह से भी फ्लक्चुएशन आता है फ्रेंड। क्लियर, एक और पॉइंट लेते हैं, तीसरा है फ्रेंड द फ्लेक्सिबल वेज रेट एंड प्राइसेस। ये बोलते हैं कि अगर ये टेक्नोलॉजी इंक्रीज डिक्रीज होगी तो लेबर मार्केट भी चेंजेस होंगे, मनी मार्केट भी चेंजेस आ रहा है, इसकी वजह से जो मार्केट में वेज रेट हैं और प्राइसेस हैं ये फ्लक्चुएट होगी। अगर वेज रेट बढ़ जाएगी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ने से प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि वेज रेट क्यों बढ़ेगा, क्योंकि कैपिटल की डिमांड बढ़ रही है। जब कैपिटल डिमांड बढ़ेगी तो लेबर की डिमांड बढ़ेगी, तो लेबर के वेज ही बढ़ेगा, और वेजेस बढ़ेंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ने से प्राइसेस बढ़ेगा। इसकी वजह से, क्योंकि रियल तो चेंज नहीं हो रहा है, और इसकी वजह से इन्फ्लेशन आ जाएगा, इनकी वजह से रिसेशन आ जाएगा, इसी वजह से होता है।
अगला बेटा जी फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी होता है कि गवर्नमेंट अगर टैक्स है और एक्सपेंडिचर दो चीज़ आता है इसमें गुड। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए या टैक्स घटा दिया तो उसका भी इम्पैक्ट क्या पड़ता है, पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर देती है तो लोगों की डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन रियल वेरिएबल प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। या दूसरी तरफ अगर गवर्नमेंट टैक्सेशन लगा देती है, टैक्स लगाने से लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, उनकी डिमांड कम हो जाएगी लेकिन सप्लाई वही की वही रहेगी, तो उससे भी क्या होता है कि प्राइसेस डाउन आएगा। तो प्राइसेस डाउन और अप आना, इसी को तो हम बिजनेस साइकिल बोलते हैं। तो ये सारे जो वेरिएबल हैं फ्रेंड्स, ये वेरिएबल फिजिकल पॉलिसी, वेजेस, प्राइसेस, मनी, लेबर मार्केट और टेक्नोलॉजी, इनकी वजह से इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आता है। तो उस फ्लक्चुएशन में क्या होता है कि रियल एग्रीगेट डिमांड एंड रियल एग्रीगेट सप्लाई चेंज आती है। फिजिकल पॉलिसी को आप ऐसे दिखा सकते हैं फ्रेंड्स कि जैसे हमने माना है कि मान चलो ये आपका, मैं थोड़ा सा मिटाना चाहता हूँ कि मान के चलो फ्रेंड्स कि हमने ये एग्रीगेट डिमांड है और ये एग्रीगेट सप्लाई है, रियल एग्रीगेट सप्लाई है और रियल एग्रीगेट डिमांड है, ओके। यहाँ पर आपका प्राइस इंटरेस्ट रेट भी है, यहीं पर आपका प्राइस भी कह सकते हैं, यहीं पर आपका बेच कह सकते हैं, सब कुछ यहीं पर ले लीजिए। अगर मार्केट में फिजिकल पॉलिसी की वजह से क्या होगा कि डिमांड अगर बढ़ जाती है फ्रेंड्स, तो क्या होगा, आप देखेंगे कि ये सारा चीज़ें ऊपर बढ़ जाएगा, प्राइस इंटरेस्ट सब कुछ बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तो फिर वेजेस बढ़ेंगे, सब कुछ बढ़ेगा, इस करके लिखा। इससे क्या होगा कि फ्लक्चुएशन आएगा, लेकिन इकोनॉमी में प्रोडक्शन कितना बढ़ना चाहिए, बढ़ना तो इतना चाहिए, बढ़ना हमें इतना चाहिए, लेकिन इतना प्रोडक्शन ना बढ़ करके सिर्फ यहाँ तक रुक जाता है। तो यानी कि ये प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आया ड्यू टू द फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन उतना नहीं बढ़ा, तो एक टाइम के बाद देखेंगे कि प्रोडक्शन कॉन्स्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि रियल वेरिएबल कैन नॉट चेंज, रियल वेरिएबल कैन चेंज नॉमिनल वेरिएबल, पर नॉमिनल वेरिएबल कैन नॉट चेंज द रियल वेरिएबल। इसकी वजह से क्या होता है कि प्राइसेस अप्स डाउन आते हैं, इसी वजह से फ्लक्चुएशन आता है, और इसे ही बोलते हैं कि रियल वेरिएबल बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं प्राइस को फ्लक्चुएशन लाने में। इसीलिए इस थ्योरी को कहता है रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी, रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी, जो कि न्यू क्लासिकल की थी और इन एजम्पशंस लेकर के रियल वेरिएबल को लेकर के इसने प्रूव किया है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि ये सारे कंसेप्ट आपके समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू।